शगुफ्ता, अगर मिस्टर बजाज को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। देखो राधा, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। अगर ये जिंदा रहते हैं तब भी मेरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर खुदा नखास्ता इन्हें कुछ हो गया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकोगी राधा। आखिरी बार उसे मिल लो, कम से कम उसे ये तो एहसास दिला दो कि तुम उसके बारे में फिक्रमंद हो। नहीं शगुफ्ता, मेरे जाने का वो कोई और मतलब निकाल लेगा। मुझे जाने पे मजबूर मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। किससे मिलने नहीं जा सकती राधा, किसकी बात हो रही है? जी वो दीपक के बारे में बात हो रही थी। दीपक की? दीपक से मिलने राधा क्यों जाएगी? जी दीपक और मेरे दरमियान जो गलतफहमी है वो सिर्फ राधा दूर कर सकती है, क्योंकि राधा सारी हकीकत जानती है। दीपक मुझ पर शक करते हैं और सिर्फ राधा उन्हें समझा सकती है कि वो शक गलत है। तो चली जाओ राधा, क्यों मदद नहीं करना चाहती अपनी सहेली? जी मैं दूसरों के मामले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ बस इसलिए। अच्छा, खैर मैं तुमसे ये कहने आया था कि स्कूल से प्रिंस को लेकर ऑफिस चली आना। जी ठीक है। और हो सके तो अपनी सहेली की बात करना। ओके बाय। बाय। मैं जानती हूँ तुम जिस हाल में हो मेरी वजह से हो। मेरी मजबूरियों को समझकर तुमने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं तुमसे एक और वादा लेने आई हूँ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं तुम क्या वादा चाहती हो राधा। मैं जानता हूँ तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, तो सुनो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे बगैर खुश रहने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी मान ली तुमने मेरी बात। हाँ, जब सोच लिया है कि जैसा तुम कहोगी वैसा होगा तो फिर देर क्यों। हाँ राधा, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कह रहे हो? ताकि दिल की बेकरारी और ना बढ़ जाए। अच्छा ही बताओ, तुम खुद आई हो या किसी के कहने पर? आना तो खुद चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डर लगा कि अगर लोगों को मालूम हो गया तो बातें निकलेंगी। तो अब वो डर दूर कैसे हो गया? क्योंकि जिन लोगों का डर था उन्हीं ने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया। मिस्टर बजाज ने? हाँ, आशा गुप्ता ने भी जिद की। जिद करके तुम्हें भेजा, खुद नहीं आई? मेरी तरह कमजोर नहीं। खैर उसकी बात मत करो, उसका जिक्र आते ही मुझे अपने दुख के साथ साथ उसका दुख भी सताने लगता है। मैं चलूं दीपक। आज तुम किसी के कहने पे आई हो, कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो मैं क्यों नहीं रुकना चाहती। मुझसे डर है? नहीं, अपने आप से। मैं चलती हूँ। राधा ऐसे मत जाओ, कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाता हूं। और अपने लिए? हाँ अपने लिए भी। जी हाँ, मुझे उसने खुद बताया। आप राधा से कह रहे थे कि मैं उसकी जान ले लूंगा। नगमा घबरा गई, उसने सोचा कि शायद ये बात आप उसके बारे में कह रहे हैं। जेके, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मैं खुद को बिला वजह परेशानी में नहीं डालना चाहता।
उस रात ना तो मैंने नगमा को देखा था और नहीं उसे मौत की धमकी दी थी। तो उस रात राधा के साथ कौन था? कौन था? जी के तुम समझते हो अपने सवाल का मतलब? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बजाज साहब, सीधी सी बात है, अगर आप नहीं थे तो फिर कौन था? मेरी बीवी के साथ मेरे सिवा कौन हो सकता है? नहीं तो मैं आपसे पूछा। मैं बताऊं कौन था उसके साथ? तुम्हारा वहम। नगमा की मौत की वजह से तुम अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हो, जैसे कोई पागल अंधेरे में पत्थर मारकर यह समझता है कि उसका पत्थर निशाने पर पहुंच जाएगा, वैसे ही तुम भी उल्टे सीधे सवाल पूछकर यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कातिल का पता मिल जाएगा। मरने वाली ने यह खुद मुझे बताया था। मरने से पहले या मरने के बाद? आप समझ रहे हैं मैं पागल हो गया हूं? ये तो मैं कह ही चुका हूं कि तुम पागल हो गए हो, और ये उसी पागलपन का नतीजा है कि तुम अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में ये कह रहे हो कि वो अपने हामिद से बेवफाई कर रही है, उसे कमरे में सोता छोड़कर बाहर किसी गैर के साथ। लानत है तुम जी की और तुम्हारी सहमत जो तुम अपने दोस्त के बारे में ऐसी भद्दी बातें कर रही हो। मिस्टर बजाज, मुझ पर लानत मत भेजिए, बल्कि मेरी दोस्ती की कदर कीजिए। अगर मुझे राधा के चाल चलन पर शक होता या आपकी इज्जत का पास न होता तो मैं यही सवाल आपके घर की चारदीवारी में पूछने के बजाय होटल की लॉबी में लोगों के दरमियान पुलिस की मौजूदगी में भी पूछ सकता था, और राधा को जवाब देने पर मजबूर कर सकता था कि उस रात उसके साथ वो हैंडसम नौजवान कौन था जिसने नगमा को मार डालने की धमकी दी थी। राधा के साथ एक हैंडसम नौजवान? जी हाँ बजाज साहब, यह सुनकर मैं भी सकते में आ गया और सोच में पड़ गया कि उस रात राधा के साथ कौन था। मगर अगले दिन जब पता चला कि दीपक भी उसी होटल में 2 दिन से मौजूद है तो मुझे शक हुआ कि शायद दीपक ही राधा के साथ रहा हो। मगर यह सवाल मैंने पुलिस के सामने नहीं पूछा, ये सोचकर शायद नगमा को गलतफहमी हुई, इसलिए मैं चुप रहा कि कहीं राधा की बदनामी ना हो जाए। I'm sorry, JK. दरअसल मैं राधा के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो सब कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। जी कोई बात नहीं, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। बाय। लेकिन उस रात राधा बाहर अकेली क्या कर रही थी? वो इतनी डरी हुई क्यों थी? वो इतनी बेचैन क्यों रहती है? दीपक, मैं चाहती हूँ कि जब फिर दोबारा तुम्हें मिलूं तो तुम्हें वैसा ही पाऊं जैसे तुम पहले थे। दोबारा फिर कभी मिलोगे तुम? इस बार तो बीमारी का बहाना था, शायद किसी ने मजबूर किया तुम्हें आने पे। लेकिन दोबारा क्यों हो गया तुम? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अपना ख्याल रखना दीपक। दादा जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिख लूंगा राधा। आई लव यू राधा, आई लव यू। प्लीज मुझे जाने दो दीपक, प्लीज मुझे जाने दो दीपक। जाओ, लेकिन वादा करो मुझे भूलोगी नहीं। तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की दीपा।
बाय। कमिंग। हाय जेके। हाय हाय। क्या तुम अकेले हो? मेरी जगह तुम होते तो कोई शेर कहते अपने अकेलेपन पर, अपनी इस तन्हाई पर। दीपक, दरअसल मैं तुमसे ये जेके, पहले मेरी बात सुनो। उस दिन जब तुम पूछताछ करने मेरे पास आए थे तो मैंने गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक। उस दिन मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या राधा तुम्हारे साथ थी। आज मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि उस रात तुम्हारे साथ कौन था। जेके, मैं वहां किसी से छुपकर मिलने नहीं गया था। इस बात कहीं खत्म कर दे। ये बात यहां इसलिए खत्म नहीं हो सकती क्योंकि नगमा का कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। वैसे जेके साहब, आपको दूसरों की निजी जिंदगी और मामलात में दखल देने की आदत कब से पड़ गई? कातिल का पता लगाना और उसे पकड़ना पुलिस का काम है, और मैं समझता हूं बेहतर यही होगा कि यह काम आप पुलिस के लिए छोड़ दें। ये उन्हीं का काम है और वो कर भी रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि नगमा कुछ ही दिनों की मुलाकात में मुझे बहुत अजीज हो गई, मगर अब उसका कत्ल हो गया। लेकिन मैं कातिल के चेहरे से नकाब उतार देना चाहता हूं, उसे सजा दिलाना चाहता हूं। और अगर इसमें तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सच बता दो, क्या उस रात तुम किसी लड़की के साथ थे? जो सच है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं जेके, और झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इंसान को कभी कभी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाना। मैं जब यहां आया था तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम अकेले हो और तुमने झूठ बोल दिया, मगर सच यह है कि वहम का कोई इलाज नहीं है जेके साहब। मेरी मां कुछ दिनों के लिए आई थी, ये चप्पल उन्हीं की है। मैं तुमसे फिर मुलाकात करने आया, लेकिन शक को दिल से निकाल के आइएगा। अपने दिल से शक को निकालने के लिए ही आऊंगा। क्या हो गया दादा? दादा? आप यहाँ? अरे जेके, बहुत दिन बाद। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं राधा की कार में? मैं राधा का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गई राधा? तुम्हें तो मालूम है, उसके सर पर तो एक ही पागलपन सवार है। कौन सा पागलपन? वैसे तो हर औरत को होता है, लेकिन जब एक ही औलाद हो तो प्रिंस की पढ़ाई, प्रिंस के कपड़े, प्रिंस का ये, प्रिंस का वो शॉपिंग करने गए हैं माँ बेटा। अच्छा, जाओ किसी दुकान पे होंगे। नहीं बात, मैं राधा को उसके घर पे ही मिलूंगा। अच्छा अच्छा। तुम्हें छुपने की क्या जरूरत थी राधा, जब खुद शगुफ्ता और मिस्टर बजाज ने तुम्हें आने के लिए कहा था। जब दिल में चोर होता है तो हर किसी बात से डर लगता है, चाहे डरने की कोई बात ना हो। अगर मैं छुपी हुई पकड़ी जाती तो दीपक, व्हाट अ स्टूपिड लाइफ। जब सूरज सर पे होता है तो अपना साया भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है गुनाह के साये लंबे होते जाते हैं। क्या तुम अब तक उसे गुनाह समझती हो? मोहब्बत नहीं? न जाने क्या था वो दीपक, न जाने ये क्या है।
कैसा है दीपक? मोहब्बत के मारों का जो आश होता है वही हाल है उसका। तुम उसको समझाने गई थी ना? दिल पे अख्तियार ना उसे है ना मुझे, क्या करें, हालात की मजबूरी है, निभा तो करना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी को मजबूरी नहीं समझते? जब तक मेरे दिल पे ये बोझ है मैं चैन से रह नहीं सकूंगी भाव। कभी कभी दिल करता है मिस्टर बजाज को सब कुछ बता दूं और भूल जाऊं अपने अतीत को। राधा, तुम्हारी ये गलती पहली गलती से भी बहुत बड़ी है। कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी ऐसी गलती कर सकती है बिना उनको बताए। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो क्या ये बोझ मुझे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा बा? बेटी, वक्त के साथ साथ याद भी धुंधली पड़ जाएगी और बोझ भी हल्का हो जाएगा। चलते हैं बा, यहाँ कहीं पास में वाइन शॉप है? वाइन शॉप? मिस्टर बजाज को शैंपेन बहुत पसंद है ना। मीटिंग के बाद हो जाएगा। ये किस खुशी में? आज जब मैं अपने दिल की डायरी पढ़ रही थी तो उसमें एक साल पहले आज की डेट में लिखा था कि मिस्टर बजाज को इस दुनिया में सिर्फ तीन चीजें पसंद थी, अपना पियानो, राधा और शैंपेन। हाँ, उन दिनों तो ये तीन चीजें पसंद थी। और अब नहीं है? नहीं, अब भी यही चीजें बहुत पसंद है। बस अगर कभी कभी तुम अपने दिल की किताब पढ़ लिया करो तो जिंदगी के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऑल राइट, तो फिर आज रात कैंडल लिट डिनर, पियानो, म्यूजिक, शैंपेन और हम। ओके ओके। जेनी, जेनी, जेनी। यस राधा। आज रात को हम लोग कैंडल लिट डिनर करेंगे। ओह लवली राधा। और दूसरी बात, अपने दिमाग से सब चिंताएं निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। Thank God. आज हम बहुत खुश है। तुम जाओ राधा, हम सब अरेंजमेंट करता। Okay. हाँ, और प्रिंस को इतना रात तक नहीं जगाना। Not at all. बा को कह दिया उसको सुला देने के लिए। All right. Lovely. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेली इस वक्त? खतरनाक भी हो सकता है। उस रात उसके साथ वो हैंडसम नौजवान कौन था जिसने नगमा को मार डालने की धमकी दी थी? क्या हुआ मिस्टर बजाज, आप रुक क्यों गए? राधा, उस रात होटल के कमरे के बाहर तुम्हारे साथ कौन था? किस रात की बात कर रहे हो? जिस रात नगमा का मर्डर हुआ था। आज इस रात को भूलकर आप उस रात की याद क्यों कर रहे हैं? Aren't you happy कि आपका म्यूजिक, आपके शैंपेन और आपकी राधा आपके साथ है? आज जेके आया था, उसे तुम पर तो शक नहीं है, या वैसा सोचना चाहता है, लेकिन उसे एक बात का यकीन है कि या तो उस दिन हमारे कमरे के बाहर रात को दीपक के साथ कोई लड़की थी, या फिर तुम्हारे साथ कोई खूबसूरत और नौजवान था। मुझे यकीन है मिस्टर बजाज कि अगर मेरा कत्ल हो गया तो आप वो सदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे और पागल हो जाएंगे। जय को भी यही हुआ है, वो पागल हो गया है, हर किसी से हर वक्त यही पूछता रहता है। लेकिन तुमने आज तक नहीं बताया कि उस रात तुम कमरे के बाहर कर क्या रही थी। कुछ बातें ऐसी होती है मिस्टर बजाज जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानती, जैसे मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों उस रात कमरे से बाहर अकेली चली गई थी, जैसे मुझे आज ही नहीं पता कि मैं इतनी खुश क्यों हूं।
अच्छा एक बात बताओ, शगुफ्ता को क्यों इतना यकीन है कि तुम ही दीपक को समझा सकती हो और उसे जिंदा रहने पर मजबूर कर सकती हो? शगुफ्ता के दिल की बात मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते पूछ सकते हैं। मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझा। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको हंसा सकूं। जैसे आप हमेशा मुझसे पूछते रहते थे क्या सोचती रहती हो, किस फिक्र में हो, वैसे ही आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या सोचते रहते हैं। पता नहीं रहा था, आजकल मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है और उसमें हम सब तबाह हो जाएंगे। दर्द बोला तो सुनाई।